हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आप सबको पता ही है, कथा अभी गंडाई में हो रहा है और आज है चौथा दिन है क्या? रुको, पांचवा दिन है। ये पांचवा दिन है और पांचवा दिन में कथा पंडाल पे क्या क्या हुआ सारा चीज़ मैं आपको बताती हूँ। लगातार यहाँ जब से कथा स्टार्ट हुआ है तब से बारिश हो रही है। बारिश की वजह से लोगों को, पब्लिक को कथा पंडाल में बैठने में, उठने में, सोने में सब में दिक्कत आ रही है। हालांकि व्यवस्था सब चीज़ बहुत अच्छा है, मगर पानी के चलते, तूफान के चलते कितनों भी व्यवस्था रहे सारा चीज़ कमज़ोर पड़ ही जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे सब लोग पंडाल के अंदर, जो मेन पंडाल है उसके अंदर आने का सोचते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी सी पानी की व्यवस्था कम आती है, मतलब जो वर्षा होती है वो कम आता है। अलग जगह का पंडाल जो है वो उड़ जाता है, पानी पूरा भीग जाता है। तो अपने शरीर को, अपनी तबीयत को देखते हुए सब लोग डोंग पंडाल में घुसने के लिए आते हैं, और आते हैं तो देखिए कैसे कचाकच भीड़ हो चुका है। सारा चीज़ आपको नज़र आ रहा है इस वीडियो से। वैसे ही मैं घूम घूम के देख लेती हूँ किधर क्या है, कैसा है करके। भाई आप सब घर बैठे हैं, जो नहीं आए हैं उनको तो दिखाना पड़ेगा ना। और ये हैं पंडित विठलेश्वर समिति से, जो पैसा और बेलपत्ती को तो लेने का बोलते हैं लेकिन बेलपत्ती को नहीं लेते हैं, केवल और केवल पैसा को ही लेते हैं। बेलपत्ती को मना कर देते हैं सांप वहीं पे, और अगर ले भी लेते हैं तो इसका और उसका करके वहीं पे दे देते हैं। तो ये है गलत बात। हम बेलपत्ती के साथ में 1 रुपये चढ़ाए या 10 रुपये चढ़ाए, उनको लेना चाहिए न कि नहीं लेते। दोनों तरफ इधर उधर करके बहुत लोग रहते हैं, उन लोग वसूली के लिए और वसूलने के लिए निकल जाते हैं। और एक बात बता दूँ, जो ये वसूलते हैं वो पंडाल वाले को नहीं जाता, जो कथा कराते हैं उनको भी नहीं जाता, ये केवल और केवल गुरुदेव जी को जाता है। तो इस तरीके से ऐसा रहता है जानकारी, जो आपको भी पता होना चाहिए। आप कहीं चढ़ा रहे हैं वो किसी दूसरे के पास तो नहीं जा रहा है। अब उसके बाद मैं घूम लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे गुरुदेव जी के आने का इंतज़ार हो रहा है, गाना बजना हो रहा है। उससे पहले हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, उसको बांटने का सोचते हैं, और भी लोग हैं जो उन लोग भी बांटने का सोचते हैं, बांटते रहते हैं। सारा चीज़ आपको इस वीडियो में नज़र आएगा। यहाँ पे ड्रोन फर्स्ट टाइम चलता है, क्योंकि उन लोग भी चेक कर रहे हैं रनिंग ठीक ठाक है कि नहीं। तो उसके लिए पब्लिक इधर उधर अपने गर्दन को घुमाते हैं, हाय हेलो बोलते हैं, क्योंकि आज के डेट में सोशल मीडिया पे आने के लिए सबको अच्छा लगता है। पहले वो सोचते थे नहीं जाएंगे करके। अब उसके बाद में मैं थोड़ी सी बाहर निकल जाती हूँ, क्योंकि कथा शुरू होने से पहले वॉशरूम वगैरह हो के आ जाओ तो वो अच्छा रहता है। अब इधर मैं हो के आई तो मेरे को अद्भुत चीज़ मिला। पंडाल के अंदर देखो अंधेरा दिख रहा है। अंधेरा इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें पॉलीथीन छाया हुआ है, और अंधेरे से ही हमारा जो LED है वो अच्छा साइन करता है। ये देखो, ये है कलश यात्रा का पिक्चर जिसको शो कर रहे हैं। अभी इधर के पंडाल में अभी जगह बाकी है तो बहुत ही ज़्यादा इधर भी भर जाए, जल्दी भर आ जाएगा। तो चलते हैं आगे, और क्या क्या है, कैसा है उसको देख लेते हैं। उसके बाद में क्या क्या बांटने का है, क्या है, कौन किधर देता है, वो सब चीज़ को मैं दिखाऊंगी। अब मैं आ जाती हूँ अपने जगह की तरफ। तो वहाँ पे एक लड़की चॉकलेट बांट रही है, तो उसमें चॉकलेट में, बिस्किट में ना बच्चे लोग बड़े जल्दी नज़र मार के आ जाते हैं। और उसी प्रकार एक लड़की आई थी, वो खाने का ले के आई थी, वो भी चटकन चुटकी भर में सफाई हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। तो ऐसा बांटने से ना देने के लिए खुशी भी मिलता है, और जब गंदगी होता है तो कार्यकर्ता लोग चिल्लाते भी हैं, लेकिन वो सबको ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ पर पाबंदी अच्छी लगी हुई थी। और भीड़ का नज़ारा देखो, उधर का जो पाल है वो पानी में भीग जाता है, हवा आता है तो उड़ जाता है, फट जाता है। और अभी सुबह का टाइम है तो थोड़ा सा मौसम ठीक है, आप लोगों को पता ही है जैसे कथा स्टार्ट होता है और मौसम हवा पानी बनाने का टाइम हो जाता है, और इससे थोड़ी थोड़ी हवा भी आ ही रही। भाई आप देख सकते हैं कपड़े उड़ रहे हैं, बाल उड़ रहे हैं, मतलब मौसम आज भी ख़राब है, कब पानी गिर जाएगा उसका कोई भरोसा नहीं है। तो अभी क्या है, सबका जगह बुक है लेकिन सब अपनी व्यवस्था में है, खाने पीने के टाइम पे
वॉशरूम, कपड़ा नहाना धोना सब व्यवस्था में है, इस कारण से अभी जगह थोड़ा खाली दिख रहा है। अब उसके बाद में भाई मेरे को लगा कि मैं थोड़ा सा सामने चले जाऊं क्या वीडियो बनाने के लिए करके, लेकिन जो वॉलंटियर है, जो वाइट एप्रॉन वहाँ के लोग पहने हैं, उन लोग मना कर दिए। अब मना किए हैं तो उनकी बात तो माननी ही पड़ेगी, तो मैं आ गई वापस और नहीं गई उधर। अब उसके बाद में थोड़ी देर बाद में मम्मी को कुछ लेटर देना था गुरुदेव जी को, तो एक जन को पूछे कि ये लेटर है जिसको कहाँ देते हैं करके, तो वो बोले हम में से किसी एक को दे देना हो जाता है करके। अब दूसरे वॉलंटियर को पूछी मम्मी, तो नहीं ये उधर पहले जमा होता है करके बोल दिए। इसका मतलब ये हुआ कि ना उनको पता था ना किसी और को पता था, और हमारा जो लेटर देना था वो नहीं देवा पाया। कोई बात नहीं, कभी ना कभी शिव जी का कृपा होगा तो जरूर दिवाएगा। यहाँ पे अनिमा दीदी बैठी है, बड़े मम्मी बैठी है, और इधर मम्मी बैठी है, और मैं खड़े होकर वीडियो बना रही हूँ। जगह आपको दिख रहा है, हम ज़्यादा दूर में नहीं बैठे हैं। अब आई हमारी बांटने की बारी। हम पानी की बोतल लेके आए थे जिसको बांटने के लिए शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जितना देर तक हम रखे रहेंगे तो जगह उतना ही ज़्यादा घेराएगा। भीड़ के समय है तो पब्लिक को जगह देना ज़रूरी है, इसी प्रकार बांटना स्टार्ट कर दिए हैं। और जब बांटे हैं ना तो दो मिनट नहीं लगा, फटाफट बट गया। हमारा बोतल 500 मिलीलीटर वाला था, 10 रुपये मिलता है ना वही वाला बोतल था जिसको हम लोग 4 पैकेट लेके आए थे बंडल वाला, तो बड़े आसानी से बट गया। अमलेश्वर में ज़्यादा ले जा नहीं पाए क्योंकि हम लोग उसको कथा पंडाल तक उतार नहीं पाए अच्छे से, और यहाँ ड्राइवर था तो उसको बोले तो वो उतार लिए और उसको हम लोग की जगह के पास में रख दिए। तो हम लोग उसको रात भर रखे रहे, और जब भीड़ हुई तब बांटने का शुरू किए। आपको पता ही होगा जैसे गुरुदेव आते हैं 2 बजे, तो 1 बजे तक इतना बांटने का होता है, इतना बांटने का होता है, मतलब सब लोग पकड़े रहते हैं। लेकिन जब ही कथा स्टार्ट होने का नौबत आता है तभी लोग बांटते हैं, कोई चॉकलेट तो कोई बिस्किट तो कोई पानी तो कोई सिंगार, इस तरीके से बांटते हैं। सारा चीज़ आपको दिखेगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। वो देखो वो लेडी है, वो मेहंदी बांट रही है और वहीं पर लगा डालते हैं। इधर चॉकलेट बांट रही है ये अम्मा, और मम्मी और अनिमा दीदी पानी बांट रहे हैं, और कहीं पे होंगी बड़ी मम्मी जो चॉकलेट बांट रही है, उनको भी मैं दिखाऊंगी, नज़र आएगा, इंतज़ार करिए। तो देखो कितने भीड़ है, अनिमा दीदी के पास तो इतने भीड़ हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 3 बोतल दे दो करके सब भीड़ है। और बोतल क्या है, आपको फिर से पानी भरने का काम आ जाता है। वही आप पानी पाउच अगर लेते हैं तो उसको अपन रख नहीं सकते फोड़ के, और ना ही दोबारा काम आता है, और ये कई दिनों तक चलते रहता है, तो बोतल सेफ रहता है। इस वजह से हम लोग बोतल वाला बांटने के लिए लाए थे। अब उसके बाद में थोड़ी देर बाद में वो अम्मा थी तो वो और हम लोग को चॉकलेट दे रही थी, और चॉकलेट इतने बांटते हैं कि खिला भी नहीं पाता। ये सब चॉकलेट वगैरह क्या है, बच्चों का ही है, बच्चे लोग ही ज़्यादा खाते हैं, और जैसे बांटते हैं वैसे झूम उठते हैं। तो कैसा लगा हमारा बांटने का तरीका, उसको कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और हाँ, क्या आपको भी इनमें से कोई नज़र आया, आपके रिश्तेदार या रिलेशन या फिर कोई और, तो ज़रूर बताना कमेंट्स करके। यहाँ पे इन लोग आए थे पैदल पैदल नर्मदा से उतर के गंडई, तो बहुत ही थक गए थे। और वो उसकी अम्मा, दादी अम्मा हैं या नानी अम्मा हैं जो बांट रही थी। अभी भी हमारा पानी बॉटल बचा है जिसको दीदी दे ही रही है, और देखो कैसे घूम घूम के बच्चे लोग आते हैं। अब ऐसी ऐसी केन ना, हम लोग 4 केन लाए थे। तो अब यहाँ पे देखो बड़ी मम्मी भी बांट रही है, डिब्बे में लाई है चॉकलेट, जो चॉकलेट बांटने का है मैंगो वाला है, तो उसी को बांट रही है। अब जितना चॉकलेट है उतने लोगों को बताएगा, एक एक पीस दे रही, या फिर कोई जैसे मांगते हैं तो 2 पीस, नहीं तो फिर 1 पीस। तो ऐसा रहा हमारा बांटने का सिलसिला, और खाने का सिलसिला, और कथा में बैठने का सिलसिला। तो आपको भी कथा पंडाल में जाना कैसा लगता है कमेंट्स करके ज़रूर बताना दोस्तों। और आप शिव भक्त होंगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा देना, जिससे ऐसा नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। ये है लड़की जो अपने घर से या होटल से हलवा और पूड़ी
पाउच पार्सल बना के लाई थी, इतने जल्दी फिनिश हो गया ना कि पूछो मत। मैं तो ज़्यादा दूर में बैठी ही नहीं थी, लेकिन नहीं गई क्योंकि हम लोग नाश्ता कर चुके थे, तो दोबारा तिबारा खाने का कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि टॉयलेट के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है और हम पंडाल पे सफ़र पे घूमने के लिए गए हैं तो हमारे पेट को देखना बहुत ज़रूरी रहता है, तो उसके लिए हम लोग नहीं गए। बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था, ये देखो कैसे भीड़ हो गया। फिर उसके बाद वाइट एप्रॉन वाले आए कि दीदी आप यहाँ पे क्यों हैं, उधर आगे जाइए, यहाँ पे जाम लग रहा है करके। तो वो इधर आ गई और इधर आके बांटने लगी और आपको दिख ही रहा है उनका थैला खाली होते आ गया है, पब्लिक होते आ रही है भीड़, लेकिन कुछ ही देर में वो ख़त्म भी हो जाएगा। एकदम ज़्यादा नहीं लाई थी, लेकिन लाई थी, कम से कम उसमें 30 से 35 पाउच रहा होगा पार्सल, उतना भी बहुत होता है। हर एक पैकेट में 4-4 पूड़ी था और हलवा था, तो उतना बहुत होता है भाई बांटने के लिए। तो इस तरीके से रहा हमारा दिन, आज का 5वां दिन। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।